One best memory after the success of Jannat se Aagey. The saamp wali. Oh yeah. Main bahut dar rahi thi, but it did well. I think I did great. It was a real snake. Yeah, yeah. It was okay. A real python. Yeah. Main jakkara jo main scene kar rahi thi na, wo itne tight karna shuru kar diya around me. And I was like, guys, I think it's gonna kill me now. Main hungi Kubra Khan, lekin main Gohar Rashid ke saath kaam kar rahi hu, bro. Like, what am I gonna do? Like, actor cooking hai. What am I gonna do? Mere double Eid ho rahi hai. Meri birthday bhi hai. Maine bilkul apne baat karne ka style rakha film ke andar. Ki main like, oh. Okay, rakha hua. Hi, this is Kehkesham Bukhari and you're watching me on Geo Digital. आज का चैट बॉक्स इसलिए भी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं बैठी हूँ एक स्टार के साथ जो जब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आती हैं तो भी आपको हैरान कर देती हैं और अब वो बड़े पर्दे पर भी नजर आ रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? सबसे पहले तो गुड टू सी यू आफ्टर जन्नत से आगे. थैंक यू सो मच. और नहीं पता था कि इतना बिग सरप्राइज होगा. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद गौहर एंड ये जो अचानक से अभी सामने आई है? अच्छा, ये अब लोगों के लिए अचानक है लेकिन हम 5 साल से बना रहे हैं इसको तो हमारे लिए अचानक बिल्कुल ही नहीं. ये नूरजहां, जन्नत से आगे, लंदन नहीं जाऊँगा, सभी पहले की बात है. लेकिन इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हमने बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर शूट किया, बहुत मज़ा किया, बहुत लड़ाइयाँ की एंड we created some good things and I really hope ki logon ko pasand aaye. Humne bahut hard work kiya. Okay, so agar hum film ke storyline ke bare mein baat kare so aap kya character play kar rahi hain? Mera jo character hai, it's of a girl who is a bit of an extrovert. Ek bahut hi comfortable family mein paida hui hai wo एंड उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है. सारी आसाइशात उसके साथ है. ये लफ्ज़ है ना, आसाइशात. मैंने जन्नत में सीखा था ये लफ्ज़. मैंने जन्नत में सीखा था. तो उसके पास है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो भूली नहीं है कि वो एक इंसान भी है. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक हम काफ़ी दफ़ा भूल जाते हैं ये चीज़ें. तो दैट्स व्हाट माय कैरेक्टर इज़. सो ये कैरेक्टर आपसे, कुबरा खान से कितना रिलेटेबल है? जिस तरह से वो बात करती है बहुत ज़्यादा. बिकॉज मैंने बिल्कुल अपने बात करने का स्टाइल रखा फिल्म के अंदर कि मैं लाइक ओह करके रखा हुआ है. तो बात करने के स्टाइल से वो काफ़ी सिमिलर है मुझसे. डिफरेंस सिर्फ ये है कि कुबरा खान इंट्रोवर्ट है और वो सिर्फ ने एक चंद हैंडफुल ऑफ लोग हैं जिनके साथ ही वो एक्सट्रोवर्टेड होती है लेकिन उसके अलावा वो इंट्रोवर्ट ही है. वेयर ज़ारा वो एक एक्सट्रोवर्ट ही है. बस फ़र्क ये है मेरा ख्याल से, उसके अलावा इतना ज़्यादा नहीं है. अच्छा, आपके बारे में हम सुनते हैं कि जब भी आप किसी फिल्म के सेट पर या टी वी के सेट पर होती हैं तो वहाँ की एनर्जी बहुत चेंज हो जाती है. बहुत अच्छी है. सो उसकी क्या ट्रिक है कुबरा? आई डोंट नो एक्चुअली. मुझे मैंने काफ़ी दफ़ा ये सुना, मुझे खुशी मिलती है सुन के. आई गेस मेरी एनर्जी अच्छी है. येस ऑफ कोर्स. अच्छा ये बताएं कि जन्नत से आगे में आपने जन्नत का किरदार किया और वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि बड़ी टाइम तक उसके बारे में बात होती रही क्योंकि एक होस्ट को प्ले करना डेफिनेटली आपके लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा. सो हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस? इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज मेरा जन्नत सिर्फ एक मॉर्निंग शो होस्ट नहीं थी. वो एक माँ भी थी, एक बीवी भी थी, एक औरत भी थी और एक इनसिक्योर औरत भी थी, एक मजबूत औरत भी थी. वो एक पावर हंग्री औरत भी थी लेकिन एक वो गरीब औरत भी थी. यू नो, सो देयर वाज लोड्स ऑफ थिंग्स दैट आई हैड टू प्ले इन वन कैरेक्टर. तो मैंने जितने आई थिंक उस एक किरदार के अंदर मैंने कोई 7-8 किरदार निभाए. और ऑल क्रेडिट गोज टू हसीब हसन ऑनेस्टली स्पीकिंग. द वे उमेरा अहमद जी रोट द स्क्रिप्ट एज वेल ब्यूटिफुली. तो जिस तरह से हसीब भाई ने उसको निखार के मेरे अंदर से निकाला है, हैट्स ऑफ टू हिम. मतलब आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट. सो आपको कोई डिफिकल्टी वगैरह हुई? उर्दू में अक्सर हम लोग सभी गलतियां कर जाते हैं. शायस्तियात. यस, बहुत. सो डिड इट टेक टाइम? अच्छा, डायलॉग्स याद करने में मुझे मसला नहीं होता लकीली, वियर्डली इनफ, जो कि अजीब बात है बिकॉज मेरी मेमोरी गोल्ड फिश जैसी है. मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती. शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बहुत छोटी है मेरी, बहुत ही बुरी है. लेकिन वो प्रोनंसिएशन में ऐसे प्रोनंसिएशन में मसला नहीं होता. मैं जैसे अभी बात कर रही हूँ, जैसे कैमरा ऑन होता है ये सारा हट जाता है फॉर सम रीजन. अब जाके आई एम अ डिफरेंट पर्सन. ये तो उस तरह से मसला नहीं हुआ लेकिन हाँ, बहुत ग्रैंडली बोलना था जो घर के सीन्स थे उस पर तो इमोशन है, यू नो ऑल ऑफ दैट. बट मॉर्निंग शो के ऊपर तो वो एक मेरे लिए बहुत ही ऑड था करना बिकॉज लाइक आई सेड आई एम एन इंट्रोवर्ट. मैं इतना करके नहीं बोलती बट आई डिड इट एंड आई गेस पीपल लाइक्ड इट. आप सबको गुड मॉर्निंग. जन्नत जहां में जन्नत अली खान आप सबको खुशामदीद कहती है. जन्नत जहां में आने का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं दुआ करती हूं कि आप सब इसी तरह मेरे साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें. जन्नत अली खान की तरफ से खुशामदीद.
हर कैरेक्टर आपके अंदर भी एक चेंज लेकर आता है, यू प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स, तो जन्नत ने क्या चेंज कुबरा खान के अंदर लाया? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर को चेंज लेके आए, लेकिन एक चीज़ ये कि हर कैरेक्टर आपको कुछ सिखा देता है कि कभी ऐसा होता है क्या करना चाहिए और कभी ऐसा होता है क्या करना नहीं चाहिए. जन्नत ने मुझे यही सिखाया कि आप जितने ही बड़े हो जाओ अपनी, सॉरी फॉर दिस वर्ड, ये लफ्ज़ मुझे बहुत फनी लगता है, लेकिन अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और सबकी होती है. जन्नत वही हुआ कि शी फॉरगॉट हू शी वाज, वो अपनी रूट्स को भूल गई और विच इज़ वाई उसका पूरा हर चीज़ ही ख़राब हो गई. यू नो, अगर वो अपनी रूट से इंटैक्ट रहती तो शायद ये सब कुछ ना होता. एंड ये एक चीज़ है जो एक रिमाइंडर सबको ज़रूरी होता है, आई थिंक, कि आप जितने भी बड़े हो जाओ, कीप योर हेड्स इन द क्लाउड बट फीट इन द ग्राउंड. सो आपकी और गौहर की जोड़ी को ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद. अब हम कौन से गौहर की बात कर रहे हैं? हम गौहर रशीद की बात कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड भी हैं. ऑफ कोर्स. सो अब कोई नया अपकमिंग प्रोजेक्ट, आर यू गोइंग टू वर्क विद हिम अगेन? I don't know, but weirdly enough, it was funny कि मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, लेकिन जब मैं गौहर के साथ सीन कर रही थी मैं बहुत नर्वस थी. हालांकि I've been friends with him for like 8-9 years. लेकिन जब पहला सीन हमारा वो था जिसमें मेरा घर मैं इनाग्रेट कर रही हूँ और घर पर मॉर्निंग शो करती हूँ, तो जब मैं घर के बाहर खड़ी हूँ साथ में मेरा बेटा और गौहर खड़े हैं, उस पर मैं शिवर कर रही थी. अगर कोई मेरे हाथों पर जूम इन कर रहे तो वो ऐसे शिवर कर रहे थे थोड़ा सा. एंड आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज मेरा दोस्त है, मैं बायस बिल्कुल नहीं हो रही, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन दिस कंट्री. एंड फॉर दैट रीज़न मैं बहुत नर्वस थी कि मैं होंगी कुबरा खान, लेकिन मैं गौहर रशीद के साथ काम कर रही हूँ. ब्रो, लाइक व्हाट एम आई गोना डू, लाइक एक्टर कुकिंग है ये, व्हाट एम आई गोना डू. तो उस मोमेंट के लिए भूल गई थी, दोस्त है, मैं 10 साल से जानती हूँ, ये सब भूल गई थी. बस ये था कि ओह माय गॉड, मैं गौहर रशीद के साथ एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे जज कर रहा होगा फिलहाल. एंड इज़ लाइक खैर करो. अच्छा, आपके बारे में हमने जब उनसे इंटरव्यू में पूछा था, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने कहा जन्नत से अच्छा कैरेक्टर कुबरा के अलावा कोई और कर नहीं सकता. ये सच्ची बात है. स्वीट. नो, ही इज जस्ट बीइंग बायस्ड. आई एम श्योर ही इज नॉट. सो अब क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो बॉलीवुड देख देख के बड़े हुए हैं और हमेशा हमारे अंदर एक कन्वेंशनल हीरो हीरोइन तो रहते हैं, सो वो कौन सी इंस्पिरेशन है आपके लिए बॉलीवुड से जिसने आपको एक्टिंग की तरफ लाने पर वो किया? बॉलीवुड से मेरिल स्ट्रीप, लेकिन बॉलीवुड से नहीं है. ओके. या आई मेरिल स्ट्रीप, आई वॉच हर एंड आई जस्ट वॉच हर एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड. एक है एंड एक लॉरेन, जेनिफर लॉरेंस. ओके. आई लव हर. या आई थिंक दीस टू पीपल आर फिनोमिनल. सो ईद इज कमिंग एंड वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर योर फिल्म, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. लेकिन वो आप खुद ईद पर कितना एक्साइटेड होती हैं, किस तरह ईद सेलिब्रेट? मेरी डबल ईद हो रही है, मेरी बर्थडे भी आई. ओह वाओ, सेकंड बर्थडे. एडवांस में. थैंक यू सो मच. अच्छा, बाय द वे मेरी भी आ रही है 19th को. ओह रियली? मेरी 16th को. हाई फाइव. ओके, सो यू आर जेमिनाई. ओह वाओ. ओके, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर. योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट. देसी वेडिंग प्लेलिस्ट वो दुपट्टे वाला जो गाना है, मैम का नहीं, मैम का जो गाना है, भूल रही हूँ अभी, भूल रही हूँ. चलिए कोई बात नहीं. फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? इट्स डिफिकल्ट बिकॉज़ आई हैव समथिंग एल्स, बट आई शुड से गौहर मुमताज. बट आई हैव अ फ्यू. आई लव अली सेठी, आई थिंक ही इज फिनोमिनल. आतिफ असलम इज फिनोमिनल. सो एंड गौहर मुमताज ऑफ कोर्स. Have you ever stolen anything in your childhood? Yes, I have. I stole from my own auntie's store. Confetti ka packet tha. Okay. Abbu ne mujhe chand karai aur paise dilwaye phir. Your favorite Bollywood movie? My favorite Bollywood movie? I don't remember any. My mind blanks ho gaya. Okay. Sorry. Binge watch aap kuch nahi karti Bollywood? Nahi, Bollywood se binge watch nahi karti. Okay. So with whom you would like to work in future as an actress? This guy. Fahad Mustafa. Fahad Mustafa. Yes. Okay. I think it's overdue now. One best memory after the success of Jannat se Aagey. The Saamp wali. Oh yeah. Main bahut dar rahi thi, but it did well. I think I did great. How it was a real snake? Yeah, it was okay. A real python, yeah. Oh my god. मैं जकड़ा जो मैं सीन कर रही थी ना, वो इतना टाइट करना शुरू कर दिया अराउंड मी. नाउ लाइक आह गाइस, आई थिंक इट्स गोना किल मी नाउ. ओह गॉड. सो वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ. Just, I think, just remember that humility is very important. Not change, but add more of it. Yeah. Add more of it. Okay, so ab ye quickly ho raha hai. So Karachi or Lahore? Karachi. Coffee or chai? Chai. Biryani or nihari?
निहारी आप अम्मा से करीब रही हैं या अब्बा से? अम्मा से मेरी अम्मा अब्बा दोनों एक they're like my mom's my father as well my entire life so that's why my अम्मा is my अब्बू as well at the same time. Morning person or night owl? Night owl. Desi outfits or western clothing? दोनों. Oh you're looking lovely by the way. Yeah thank you so much. So lovely talking to you. Thank you so much. I wish हम इसको और continue कर सकते हैं लेकिन पीछे से आवाजें लग रही हैं कि खत्म करें so यहाँ खत्म होता है. तो दरअप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.